देख रहे हैं PNI न्यूज। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं मनीष कुमार गुप्ता गाजीपुर का रहने वाला हूँ जी। मैं इसी में यहाँ पर पेट्रोल पंप पे सेल्समैन है जी। हाँ, तो जिस तरीके से पेट्रोल पंप महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, तो कस्टमरों पे कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? बहुत लोग कस्टमर आते हैं, दिन भर में जो आते हैं वो लोग कहते हैं यार बढ़ गया, ऐसा सरकार में घटना चाहिए, 3 महीना चुनाव में एक पैसा भी नहीं बढ़ा, 2 दिन में 1 रुपया 60 पैसा बढ़ गया, कस्टमर लोग की पाकिट ढील हो रही है तेल भरवाने तो में। अब क्या जैसे पहले लोग आ रहे थे, अब कुछ कमी आई है क्या कस्टमर? बहुत कमी, जो पहले 200 का ले रहे थे आज उन लोगों के पास पैसा ना रहने के बावजूद किसी से कर्जा लेकर 250 का लेना पड़ रहा है, महंगाई को देख कर उन्हें जाना है 40 किलोमीटर जा रहे हैं वो 30 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही विनती है कि वो अपना पेट्रोल डीजल का रेट कम करें और रोजगार में बरकत दें। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम योगेश कुमार है जी, और जिला मिर्जापुर है, ग्राम दामोदरपुर है जी। अभी आपने तेल लिया है यहाँ से? जी जी जी। और तेल का दाम बढ़ा है जी, इस वक्त 1 लीटर 98.22 रुपया का पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? बहुत असर पड़ रहा है जी। तो यह चुनाव के वक्त पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे, चुनाव बीतने के बाद ही बढ़ना शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब चुनाव की वजह से अगर बढ़ गया है तो भाई दिक्कत तो होगा ही ना, तो अब क्या करें, अब दिक्कत तो झेलना ही पड़ेगा जी। तो इस खर्च का वहन कैसे कर रहे हैं? फ्यूल तो कंपनी देती है पैसा हम लोग को जी, लेकिन फिर भी आपके पॉकेट पे तो असर पड़ेगा ना भाई? हाँ, असर तो पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ठीक है जी, आप अपना परिचय बताइएगा। सर मेरा परिचय है गाजी मोहम्मद अरशद खान। अच्छा, गाजीपुर का रहने वाला हूँ। पेट्रोल और डीजल का दाम महंगा हुआ है जी, जी। तो कस्टमर में क्या असर देखा जा रहा है यहाँ पर? इसमें कस्टमर लोग बहुत नाराज हैं जी। जी, कस्टमरों की नाराजगी है कि भाई इतना जल्दी इतना रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान है तेल भरवाने के लिए जी। पहले जो लोग लेते थे 100 रुपया 150 रुपये में 200 रुपये में, अब उन्हें 250-300 ऐसे भरवाना पड़ रहा है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग तो यही करनी पड़ी कि भाई वो अपने हिसाब से थोड़ा सा कुछ रेट को कम कराएं, कम करें। और जी, आप अपना परिचय बताइए। छोटा लाल यादव, जिला गाजीपुर जी वाले हूँ। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और अभी आपने तेल भी भरवाया है जी, भरवाया। तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से कितना असर पड़ रहा है? सर जी, बहुत असर पड़ रहा है ना। मेन बात यहाँ की, पहले जब चुनाव के पहले रेट कुछ और था जी, फिर चुनाव बीतते ही जब चुनाव जीत गए लोग तो रेट चालू हो गया बढ़ना जी, असर पड़ना पड़ेगा ही ना। अब एक दिन में 2 दिन में 1.60 रुपये बढ़ा है, अब दिन प्रतिदिन रोज बढ़ता जाएगा तो भाई अब कहाँ से होगा? तो क्या रोजगार मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी छाई है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं भाई कि भाई पेट्रोल का दाम कम करें और डीजल का भी दाम करें, ताकि भाई आम पब्लिक को भाई थोड़ा सा राहत मिले। ये कहना। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।